ਰਿਵਾੜੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਉੱਚਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 13 ਸਾਲਾ ਰਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਵਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। गाड़ी आई, हम यहाँ पे बैठे हुए थे अपने आराम से। जैसे गाड़ी रुकी तो गाड़ी में से 10-12 लोग उतरे, जिसमें से दो बंदे की पहचान हुई। एक का नाम पवन था, एक का नाम रवि था, जिनके हाथ में राड वगैरह, हुक्के वगैरह, सामान भी थे, पिस्टल वगैरह, कट्टे वगैरह ये लिए हुए थे। आते के साथ ही मारना चालू कर दिया। किस चीज़ में? गाड़ी के अंदर आए थे, जाए लो गाड़ी। मेरा चाचा का लड़का है। कितने साल का था, क्या करता था, कहाँ से आया था? 13-14 साल का उसकी एज है, पढ़ता है वो, 9th क्लास पास की है उसने। यहाँ पे पास में कुंड के पास में गाँव है, वहाँ पे रहते हैं। ये लड़का, इनका चाचा का लड़का, उसको उठा के लेके 14 साल का है। ये आरोप लगाए जिस पर FIR दर्ज की जा चुकी है और इसकी जाँच अमल में लाई जा रही है। तफ्तीश जारी है और इसकी पार्टियाँ बना के रेड की जा रही है। कौन लोग थे जो उठा के ले गए? उठा के ले गए जो रवि और राकेश वगैरह बता रहे हैं ये नाम, जिनको ये जानते हैं, और ये महेंद्र के लड़के हैं। जो हुआ है उसके बारे में और अब तिजार और इधर टीम में गई हुई है हमारी। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपा मिलांगे फेसबुक ते, असी दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।